नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि क्या आप वजन कम कर सकते हो एक स्ट्रक्चर्ड डाइट के बिना, एक प्लान करी हुई डाइट के बिना, एक सोची समझी, सोच समझ करके बनाई हुई डाइट के बिना क्या आप वजन कम कर सकते हो। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि स्ट्रक्चर्ड डाइट क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड डाइट प्लान कैसे बनता है, उनमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। इसमें बता रहा हूँ क्या क्या एक स्ट्रक्चर्ड डाइट प्लान के बिना आप वजन कम कर सकते हो। जवाब है हाँ, पर साथ में ये भी कहूँगा कि अगर आप ऐसा कर पा रहे हो कि आपने एक कोई बिना सोचे समझे डाइट प्लान नहीं बनाया, आपने अपने अंदाजे से मन से अंदाज़ा भी नहीं लगाया, अपने मन से खा लिया जो आ रहा है आज चलने दो, तो अगर आप सही मतलब आपके शरीर में जो भी हो रहा है वो सब सही हो रहा है तो समझ लेना ये काफ़ी हद तक तुक्का लगा है। वरना इसका जवाब यही है कि सही सोचे समझे डाइट प्लान बनाए बिना सही तरीके से वजन कम होना या वजन बढ़ाना मुश्किल ही रहता है, ऐसा होता नहीं है। अगर हो गया है तो समझ लेने लगभग तुक्का ही लगा है, ठीक है। अब बात करते हैं क्यों नहीं होता, बिना स्ट्रक्चर डाइट प्लान बनाए या सोचे समझे हम अपना डाइट प्लान बनाए तो हम सही ढंग से वजन क्यों नहीं कम कर पाते, क्यों नहीं बढ़ा पाते। देखो सबसे पहली बात है, तुम बिना सोचे समझे खाते जाओगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तुम्हें तुम्हारा जो भी मकसद है वजन बढ़ाना या वजन कम करना, जो भी तुम्हारा मकसद है, तुम्हारा वजन मेंटेन करके रखना जितना है उतना ही रखना, तुम्हारा जो भी लक्ष्य है तुम्हें पता ही चलेगा तुम उसकी तरफ जा रहे हो कहीं और जा रहे हो। कैसे? सबसे पहले तुम ऐसे जो भी आ रहे खाए जा रहे तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि तुम कैलोरी सरप्लस में हो कैलोरी डिफिसिट में। कैलोरी सरप्लस कैलोरी डिफिसिट क्या होता है मेरे पुराने वीडियोज में देख सकते हो। कहने का मतलब तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि तुम जितनी ऊर्जा खर्च कर रहे हो उससे ज़्यादा खा रहे हो उससे कम खा रहे हो। ज़्यादा खाओगे तो वजन बढ़ेगा, कम खा रहे होगे तो वजन कम होगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम क्या कर रहे हो। सकता है आज तुमने थोड़ा ज़्यादा खा लिया, कल तुमने थोड़ा कम खा लिया, तो आज तुमने थोड़ा ज़्यादा खाया तो थोड़ा वजन कम हो गया, कल थोड़ा वजन कम हो गया, तो तुम ऐसे करते जाओ महीने भर बाद देखोगे तो यार के मतलब इतने दिनों से डाइट पे उम्र में तो वजन तक होती है, तुम्हें ऐसे लगेगा। ये चीज़ मतलब समझ आएगी जब तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकालोगे, तुम देखोगे जो खाना खा रहा हूँ उसमें कितनी कैलोरी है, इतनी मेंटेनेंस कैलोरी है, इतनी खाने में कैलोरी है, इससे मेरा इतना वजन कम होएगा, इस तरीके की गणित लगाओगे ना तब तुम्हें समझ आएगा। ये सब कैसे लगाते हैं ये मेरे पूरे पुराने वीडियोज में देख सकते हो कि मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालते हैं, कौन से खाने में कितनी कैलोरीज है, कहाँ से पता कर सकते हो, इंडियन फूड कॉम्पोजिशन टेबल मैंने पुराने वीडियोज में बात करके। अब दूसरा आता है कि मान लो कई लोग होते हैं जो अपना अंदाज लगाते हैं कि ठीक है मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ यार, ठीक है कई लोग होते हैं ऐसे अपना अंदाज लगाते हैं, ठीक है तुम ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि तुम कैलोरी डेफिसिट में हो या सरप्लस में हो, मतलब अगर तुम दबा दबा के खाओगे भूख से ज़्यादा खाओगे तो लगभग पूरी संभावना है कि तुम्हारा वजन बढ़ेगा क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खा रहे हो, भूख से बहुत ज़्यादा खा रहे हो। पर कितना बढ़ेगा? बहुत जल्दी ज़्यादा वजन बढ़ जाएगा तो तुम्हारे शरीर में चर्बी बढ़ने लग जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कम से कम चर्बी और ज़्यादा ज़्यादा मसल बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कितना खाना है क्या खाना है, और वही वजन कम करने के लिए भी इस तरीके की बातें। तुम कम खा रहे मान लो तुमने कुछ लोग क्या अपना अंदाज़ा लगाते हैं कि यार मैं पहले जितना खा रहा था मैंने उसका आधा खाना कर दिया, अब तो वजन कम होएगा ही होएगा, कैसे नहीं होएगा, खाना आधा कर दिया कसरत डेढ़ गुना कर दी तो वजन कम कैसे नहीं होएगा। अच्छा ठीक है, कई लोग होते हैं मैं जितना खा रहा था उसका दो तिहाई कर दिया मैंने और कसरत दो गुना कर दी तो वजन कम कैसे नहीं होएगा। ठीक है वजन कम होएगा लेकिन इसके साथ में तुम्हारा मसल लॉस भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि भाई साहब तुमने खाना कम करके जितना कम किया है कसरत तुमने बढ़ा दी तो वैसे तुम और कैलोरी खर्च करने लग गए और फिर तुमने खाना कम कर दिया और वो भी तुमने अपने अंदाजों से कितना कम किया तुम्हें पता नहीं है, तो हो सकता है तुमने इतना ज़्यादा खाना कम कर दिया हो कि तुम्हारा जो कैलोरी डेफिसिट है वो इतना बड़ा हो गया कि तुम्हारा मसल लॉस होने लग जाए। जब बहुत ज़्यादा खाना आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाते हो जब आपका कैलोरी डेफिसिट बहुत बड़ा होता है तो तुम्हारा मसल लॉस होने लग जाएगा। तो और फिर तुम जितना खा रहे हो तुमने वो जो आधा किया है या तुम्हारा दो तिहाई किया है वो जो तुम जितना खा रहे हो उसमें तुम पूरा पोषण मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये भी तुम्हें पता नहीं है तो काफ़ी चांस है कि तुम्हारा मसल लॉस हो सकता है। ठीक है अब दूसरी बात करते हैं कि चलो ठीक है तुमने एक ठीक ठाक अंदाज़ा लगाया, तुमने मेरे वीडियोस देख करके जान देख लिया कि अच्छा अच्छा मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालते हैं, अच्छा अच्छा कैलोरी डेफिसिट हम 800 कैलोरी का रखेंगे तो लगभग रोज का हमारा 100 ग्राम वजन कम होएगा, रोज का 800 कैलोरी डेफिसिट होगा, तुमने अपनी गणित लगा ली और तुमने देख लिया कि हाँ इतनी मेरी मेंटेनेंस कैलोरी निकल रही है लगभग मैं इतना खाता हूँ तो ठीक रहेगा। ठीक है तुमने ऐसे अंदाज लगा लिया कैलकुलेशन कर ली तो ठीक है पर फिर भी तुम्हारा मसल लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुम जितनी कैलोरी खा रहे हो उसमें तुम्हारे शरीर को जो जो पोषण चाहिए वो पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा पता नहीं, तुम सिर्फ पनीर पनीर खाए जा रहे हो। हाँ भाई पनीर आन दो, पनीर में बहुत प्रोटीन होता है, विटामिन मिनरल कहाँ से मिल रहे तुम्हें,
विटामिन मिनरल का कौन ध्यान रखेगा? एंटीऑक्सीडेंट तुम्हारी लंबे समय तक तुम्हारी सेहत के लिए जीवन का कौन ध्यान रखेगा? जो बाकी न्यूट्रिएंट आने चाहिए तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट फैट उनका कौन ध्यान दे रहा है? तो तुम अगर मतलब अंदाजे से कैलोरी भी ठीक खा लोगे ना तो तुम्हें पूरा पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे जो भी खाना है उसमें सही बाकी की न्यूट्रिएंट एकदम सही आ रहे हैं कि नहीं, बाकी का पोषण पूरा सही से मिल रहा है कि नहीं। और ये मैं बता ही चुका हूँ कि खाना बहुत ज़्यादा कम नहीं खाना होता, इतना खाना खाना होता है कि भाई पेट मतलब ऐसा नहीं लगे कि अरे यार बहुत रोज रोज बहुत कम खाने को मिल रहा है, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार ठीक ठाक खाने को मिल रहा है, वजन भी कम हो रहा है ठीक ठाक खाने को मिल रहा है। तुम अपने आप अपने अंदाजे से चालू कर दोगे कि यार हाँ हाँ ये थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 खा लेते ना क्या दिक्कत है, हाँ हो जाएगा अपने आप हो जाएगा, ऐसे चालू कर दोगे और हाँ आन दो अपने अंदाजे से जो भी कर जा रहे हो तुमने सोच समझ के एक सही डाइट प्लान सही तरीके से नहीं बनाया तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। और वो बाई चांस तुम्हारे शरीर में सही काम कर गया तो वो लगभग तुक्का ही मानना मेरे हिसाब से तो, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो ये अपने हिसाब से करते हैं ना कि हाँ ऐसे कर लेते हैं हो जाएगा यार, कसर ज़्यादा करनी है बस और खाना कम है बस ये तो करना है और क्या करना है, वो ज़्यादातर लोग मसल लॉस के शिकार होते हैं, उनके शरीर में से मसल कम हो जाती है, मसल कम होती है तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म खराब कर लेते हैं और अपनी होशियारी लगा करके। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा मत करना। और फिर ये मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था कि हाँ भाई मैं पेट ट्रेनिंग देता हूँ, पेट ट्रेनिंग इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे अभी अपने घर से निकालने होते हैं, मेरा भी ये प्रोफेशन है, अगर किसी को मेरे से पेट ट्रेनिंग चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। कई लोग हैं जो मैसेज करते हैं उनको बोलो पेट ट्रेनिंग है तो वापस कभी उनका मैसेज नहीं आता, तो मैं पहले ही बता दूँ पेट ट्रेनिंग है, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ मैं, हाँ मेरे पास में सर्टिफिकेशन है और मैं इस चैनल को ऐसे चला रहा हूँ कि धीरे धीरे आप खुद के डाइट प्लान बनाना या खुद की सेहत का ध्यान रखना खुद ही सीख जाओ, पर उसमें समय लगेगा और फिर भी एक ट्रेनर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ट्रेनर के पास में अनुभव होता है तो आपकी निगरानी रख सकता है। और हाँ मेरे पास में अनुभव है, मैंने वजन बढ़ाना कम करना ये सब खुद के ऊपर भी करके देख रखा है और कई बार करके देख रखा है, कभी मुझे टाइम मिला और सही लगा तो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की फोटोएँ और वो सब यूट्यूब के वीडियो में बना करके डाल दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो, मैं तुमसे अगले वीडियो में मिलूंगा, नमस्कार।